ये मुल्तानी मिट्टी की खान है और ये खान है चेहरे को निखारने की और बालों को संवारने की। मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर और बालों पर लगाने से कितना लाभ मिलता है ये जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। पुराने समय में हर घर में मुल्तानी मिट्टी होती थी, लेकिन आजकल हम चेहरे के निखार और बालों की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारा केमिकल यूज करने लगे हैं। लेकिन मुल्तानी मिट्टी जो बेहद सस्ती होती है और औषधीय गुणों से भरपूर होती है, इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में आपको मुल्तानी मिट्टी के फायदे भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि अपने देश में मुल्तानी मिट्टी कहाँ निकलती है, कैसे निकलती है और कौन सी मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है मुल्तानी मिट्टी। टेक्निकल भाषा में इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं, जो मिट्टी का रूप है। परंतु इसके इतने सारे फायदे हैं कि हमारी दादी नानी वॉशरूम में, बाथरूम में यही मुल्तानी मिट्टी रखती थी। कोई साबुन नहीं होता था, कोई केमिकल नहीं होता था। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये मुल्तानी मिट्टी आज भी भारत में बड़ी अच्छी क्वालिटी की निकलती है, पर हम केमिकल के चक्कर में इसको भूल गए हैं। कैसे निकलती है, क्या लाभ है, कौन सी मुल्तानी की मिट्टी अच्छी होती है, पूरा वीडियो आपको खाएंगे ताकि जो लोग केमिकल को छोड़ना चाहते हैं उनको जानकारी मिले। मैं इस वक्त एक ऐसी खान पे हूँ जहाँ से ये मुल्तानी मिट्टी निकलती है। देखिए चारों तरफ मुल्तानी मिट्टी है और पीछे खान है मुल्तानी मिट्टी की। यहीं से ये मुल्तानी मिट्टी निकलती है और बेहतरीन मुल्तानी मिट्टी है। ये मुल्तानी मिट्टी कैसे निकलती है, कहाँ है, आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले खान पे चलते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं मुल्तानी मिट्टी की खान पे जहाँ से मुल्तानी मिट्टी निकलती है। आपको बता दें मुल्तानी मिट्टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में मुल्तान एक जगह है, वहाँ से निकलती है। पहले वहीं से शुरुआत हुई, बाद में जब इसके गुणों का पता चला तो फिर और जगह इसकी खोज हुई और अब ये अपने हिंदुस्तान में बाड़मेर जिले से कई जगह पर गाँव से निकलती है। लाइव आपको दिखा रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं मुल्तानी मिट्टी लाइव निकलते हुए। और अब मेरे साथ चैना राम जी हैं, इनसे जानेंगे कि मुल्तानी मिट्टी जो ये निकलती कैसे निकलती है, क्या तरीका है और कब से निकल रही है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मुल्तानी मिट्टी जैसे जमीन है उससे मतलब 20 फीट अंदर गहराई में निकली, जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग गहराई में निकलती है। जैसे 15 फुट पे निकल गई और 20 पे निकल गई, 30 पे निकल गई, अलग अलग एरिया में अलग अलग से निकल रही जैसे जमीन के हिसाब से। एक व्हाइट मिट्टी होती है, एक येलो मिट्टी होती है। व्हाइट मिट्टी होती है जो बेस्ट क्वालिटी की होती है और येलो मिट्टी है थोड़ा उसका क्वालिटी में लो है। तो अलग दोनों भी यूज होती है एज ए प्रोडक्ट में। ये जैसे क्रीम है, पाउडर है, इसमें यूज ली जाती है व्हाइट मिट्टी, ये बेस्ट क्वालिटी मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट में साबुन में इसका प्रयोग होता है। व्हाइट वाली ज्यादा बेहतर है, पीली वाली थोड़ी कम है, लेकिन जब मिक्सिंग होती है तो कई बार पीस कर पीली वाली भी इसमें मिला देते हैं, थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन जिसको बढ़िया क्वालिटी चाहिए वो व्हाइट वाली होती है, आपका कहना है। हां, इस एज अपन डायरेक्ट यूज लेना तो शरीर के लिए बेहतर है, इसमें कोई स्किन बीमारी नहीं रहती है। जैसे अपन अगर वो दूसरी लेते हैं बाजार में मिलने वाली जैसे साबुन है तेल, उसमें अपन को थोड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी रहता है। इसको पहले हमारे पूर्वजों ने इसको डायरेक्ट ही यूज लिया है, उसमें उनको कोई उनकी उम्र में स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न भी उनके आज दिन तक कोई स्किन कैंसर की कोई बीमारी नहीं रही है। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम, सिलिका, लोहा, कैल्शियम, कैल्साइट और क्वार्ट्ज जैसे खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी को अंग्रेजी में फुलर्स अर्थ के नाम से भी जानते हैं, इसे इंडियन हीलिंग क्ले भी कहते हैं। भारत में ज्यादातर मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर और बीकानेर की खदानों में पाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी के चेहरे पर फायदे की बात करें तो इससे चेहरे की झाइयां दूर होती हैं। ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी रामबाण है, ये स्किन का ग्लो बढ़ाती है। मुल्तानी मिट्टी डेड स्किन को हटाने में मदद करती है और स्किन को स्मूथ बनाती है। मुल्तानी मिट्टी बालों में डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है, बालों को सिल्की बनाती है, चमक बढ़ाती है और बालों के रूखेपन को दूर करती है। मुल्तानी मिट्टी को पानी या गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा स्किन के हिसाब से अलग अलग तरीके से मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, बालों में भी इसका पेस्ट बनाकर लगाया जाता है। मुल्तानी मिट्टी के इतने सारे फायदे जानकर हमें उम्मीद है कि आप अपने वॉशरूम में
मुल्तानी मिट्टी को जगह जरूर देंगे। तो दोस्तों, जैसा चैनाराम जी ने बताया कि मुल्तानी मिट्टी यहाँ प्योर निकलती है, पीली वाली की बजाय थोड़ा व्हाइट होती है, वो ज्यादा लाभकारी है। ये मुल्तानी मिट्टी हमारे हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन चीज है। ये आप देख चुके हैं, शहर में कहीं भी आपको मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी की मुल्तानी मिट्टी, जो आप ले सकते हैं। और अब इसके मुल्तानी मिट्टी के साबुन भी आते हैं और प्रोडक्ट भी आते हैं, पर वो शुद्ध होने चाहिए। इसीलिए हम ऐसे लोगों को shuddhfarm.com पर जोड़ रहे हैं, जो केमिकल फ्री चीजें तैयार करते हैं। इसका वीडियो हमने दिखाया था कि मुल्तानी मिट्टी का साबुन कैसे तैयार होता है, अनिल कुमार जी तैयार करते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी के साबुन आपको shuddhfarm.com पर भी उपलब्ध है और मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि अच्छा काम करने वाले लोगों को जोड़ा जाए, ताकि किसानों का लाभ और आपको शुद्ध चीजें मिलें। और जैसा एड्रेस में बताया गया है, आप बाड़मेर के इस गांव में आकर भी ये मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, सीधा जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों को लाभ हो और आपको शुद्ध चीजें मिलें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।